हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट मंत्रा और मेरा नाम है केवल जेठी। दोस्तों, म्यूचुअल फंड रिव्यू के आज के एपिसोड में हम एक वैल्यू कैटेगरी के बहुत ही बेहतरीन फंड के बारे में चर्चा करेंगे। अपने सेगमेंट का एक बहुत ही बेहतरीन और एक बहुत ही पुराना फंड है। आज के वीडियो में हम इस फंड के बारे में चर्चा करेंगे और इसके करंट पोर्टफोलियो के बारे में भी आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और अगर आपको करंट मार्केट करेक्शन के अंदर लमसम निवेश करना हो म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आप इस फंड के अंदर निवेश कर सकते हैं। साथ साथ क्यों आपको करंट मार्केट में लमसम निवेश करना चाहिए, उसके बारे में भी आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आप सभी से अनुरोध रहेगा, एक बहुत ही बेहतरीन फंड है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, विश्व के एक दिग्गज इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट, और वो कहते हैं जब मार्केट में फियर हो ऐसे समय पे आपको ग्रीडी होना चाहिए, और जब मार्केट में बहुत ज्यादा ग्रीड बन जाए ऐसे समय पे आपको फियरफुल होना चाहिए। और करंट मार्केट में बहुत ही ग्लोबली फियर का वातावरण बना हुआ है। जो ये कोरोना वायरस का फियर छाया हुआ है ग्लोबल मार्केट के अंदर, उसके कारण ग्लोबली सारे के सारे मार्केट तकरीबन अपने हायर लेवल से पिछले एक वीक के अंदर 10-12% करेक्ट हो चुके हैं, और यहां से थोड़ा बहुत और भी करेक्शन बढ़ सकता है। तो मार्केट का बॉटम तो कोई भी नहीं पकड़ सकता, बट ये एक बेहतरीन निवेश की अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बनती है। और अगर आप ऐसे मार्केट में निवेश करते हैं जहां पे गिरावट आ रही है, तो आपको लंबे समय में बहुत ही बेहतरीन अल्फा आपका निवेश बना के दे सकता है। हमारा जो मार्केट है, ना सिर्फ हमारा बट ग्लोबल मार्केट, इसने कई सारे ऐसे करेक्शन देखे हैं और वहां से मार्केट हर बार रिकवर करता है और इकोनॉमी ग्रो करती रहती है। पिछले तकरीबन 20 सालों का आप सेंसेक्स का यहाँ पे ग्राफ देख रहे हैं। इसके कार्यकाल में कई सारी ऐसी इवेंट आई जिसके कारण भारत मार्केट के अंदर बहुत बड़े बड़े करेक्शन भी आए, और उसके बाद मार्केट ने फिर से रिकवरी भी दिखाई। और ऐसे करेक्शन के वातावरण में जहाँ पे बहुत बड़ा फियर हो, ऐसे समय पे जिस व्यक्ति ने निवेश किया हो वहां पे उसको लंबे समय में फायदा ही हुआ है। और करंटली भी ऐसी सिचुएशन मार्केट के अंदर है जहां पे पिछले एक वीक से भारत का मार्केट तकरीबन 6% करेक्ट हो चुका है। यहां से थोड़ा बहुत और भी करेक्ट हो सकता है, बट अगर आपको निवेश करना हो तो ये सही अपॉर्चुनिटी है। आप धीरे धीरे निवेश कर सकते हैं आने वाले 1-2 महीने के अंदर, और उसके बाद आप देखेंगे मार्केट फिर से रिकवर होगा। ये कोरोना वायरस का जो इश्यू है वो धीरे धीरे रिजोल्व होगा, और उससे डेफिनेटली वापस ग्रोथ ग्लोबल मार्केट में आएगी। और इंडिया आने वाले समय के अंदर ग्रोथ का सबसे बड़ा ड्राइवर बन सकता है ग्लोबली, तो आपको भारत के मार्केट में तो जरूर निवेश करना चाहिए, और ऐसे करेक्शन में तो आपको ज्यादा निवेश करना चाहिए। और उसमें अगर आप अच्छे फंड में निवेश करेंगे, डाइवर्सिफाइड फंड में निवेश करेंगे, तो आपका रिस्क भी थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। तो डायरेक्ट इक्विटी में निवेश करने से करंट मार्केट में आपका रिस्क बढ़ सकता है। आपको एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड के अंदर निवेश करना चाहिए, और उसके अंदर भी वैल्यू कैटेगरी के फंड एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। आज का जो हमारा फंड है वो अपनी सेगमेंट का एक बहुत ही बेहतरीन तकरीबन 15 साल पुराना वैल्यू फंड है। तो आज के बारे में हम इस फंड के बारे में चर्चा करेंगे। करंटली अब हम इस फंड का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन डिजाइन किया हुआ पोर्टफोलियो है। HDFC ग्रुप की सारी कंपनियां इसके पोर्टफोलियो में है। HDFC बैंक, HDFC लाइफ और HDFC AMC, ये चारों के चारों शेयर इस पोर्टफोलियो के अंदर है। HDFC के अंदर 9% का एलोकेशन है, HDFC बैंक के अंदर 7% का, ICICI बैंक, इसके अलावा SBI और दूसरी बेहतरीन बैंक इसके पोर्टफोलियो में है। इसके अलावा रिलायंस, ITC, L&T, बजाज ऑटो जैसे लार्ज कैप कंपनियां भी हैं। मिड कैप सेगमेंट की भी कई बेहतरीन कंपनियां हैं जैसे कि सुंदरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, सन टीवी नेटवर्क, और IT सेगमेंट की सबसे दिग्गज कंपनी TCS, फार्मासिक में भी अच्छा खासा अलोकेशन है, और इसके अलावा दूसरी बहुत सारी कंपनियों में इस पोर्टफोलियो में अच्छा अलोकेशन दिया गया है। एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट की कंपनियां भी इस पोर्टफोलियो के अंदर आपको दिख जाएगी। जैसे कि हमने बताया
एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड के अलावा एचडीएफसी लाइफ भी इसके पोर्टफोलियो में है, जिसमें तकरीबन 1% का एलोकेशन है, और एचडीएफसी एएमसी में भी 1% का एलोकेशन दिया गया है। इसके अलावा जुबिलेंट फूड, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई लाइफ जैसी बेहतरीन कंपनियां भी आपको इस पोर्टफोलियो में दिखेगी। तो वैल्यू कैटेगरी में एक बहुत ही बेहतरीन पोर्टफोलियो है इस फंड का, और इसमें निवेश करके आप इस डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो में निवेश कर सकते हैं और लंबे समय में इस पोर्टफोलियो में बेहतरीन रिटर्न आप पा सकते हैं। अगर आप और डेटा देखें तो तकरीबन 41 शेयर इस पोर्टफोलियो के अंदर है, एवरेज पीई है 21 का, एवरेज प्राइस टू बुक है इस पोर्टफोलियो की 2.95 की, टॉप 10 स्टॉक में एलोकेशन 53% का दिया है, एवरेज मार्केट कैप तकरीबन 99,000 करोड़ का है, लार्ज कैप में 57% का एलोकेशन है, मिड कैप में 25 और स्मॉल कैप में तकरीबन 8% का एलोकेशन पोर्टफोलियो के अंदर दिया गया है। और इस फंड का नाम है टाटा इक्विटी पीई फंड, वैल्यू कैटेगरी का फंड है, इसका करंट एनएवी है 127 का, क्योंकि वैल्यू कैटेगरी का फंड है 100% इक्विटी में निवेश करता है, तो थोड़ा रिस्क इसमें ज्यादा रहेगा, लंबे समय के लिए ही आपको इस फंड में निवेश करना है। सोनम उदेशी इनके जो फंड मैनेजर है 21 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, 2004 में ये फंड लॉन्च हुआ था, तो तकरीबन 15 साल से ज्यादा ये फंड कंप्लीट कर चुका है। 10,000 रुपए भी किसी ने उस समय पे इस फंड में लगाए होते तो आज उसकी वैल्यू आप देख रहे हैं 1,27,000 रुपए बनती है, मतलब पिछले तकरीबन 15 सालों में ये फंड तकरीबन 13 गुना ग्रो किया है, बेहतरीन ग्रोथ इस फंड ने दिखाई है, 17% के सीएजीआर से फंड ने ग्रोथ दिखाई है, और छोटे साइज है, 5,000 करोड़ का ही इसका एम है, तो बहुत बड़ा फंड भी नहीं है, और फ्यूचर में भी अच्छी ग्रोथ आपको ये फंड दिखा सकता है। अगर आप ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियो रखते हैं, आपके पोर्टफोलियो में अभी भी कोई वैल्यू फंड नहीं है, तो आपको अपने पोर्टफोलियो में वैल्यू फंड को भी थोड़ा बहुत अलोकेशन देना जरूरी है। जिस समय पे ग्रोथ में थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, ऐसे समय पे वैल्यू कैटेगरी के जो शेयर है वहां पे एक अच्छी ग्रोथ आ सकती है। इस फंड में आप एसआईपी कर सकते हैं, और करंट मार्केट में तो आप लमसम भी कर सकते हैं, 7 साल के अधिक के टाइम फ्रेम के लिए आप इस फंड के अंदर निवेश कर सकते हैं। आप चाहें तो लिक्विड फंड में करंटली अपने पैसे पार्क करके आने वाले 3 महीनों के अंदर धीरे धीरे एसटीपी के माध्यम से भी इस फंड में अपना लमसम निवेश पार्क कर सकते हैं लंबे समय के लिए। एसआईपी के लिए भी बेहतरीन ये फंड है, पिछले कई सालों में किसी ने एसआईपी की होती, 1,000 रुपए की एसआईपी जब ये फंड लॉन्च हुआ था तब से किसी ने स्टार्ट की होती, तो अब तक तकरीबन 189 इंस्टॉलमेंट हो चुके होते, 1,89,000 रुपीज उनका इन्वेस्टमेंट हो चुका होता, और यूनिट परचेस होते हैं इतने समय के अंदर 4,922 रुपए, एवरेज यूनिट की कॉस्ट 38 रुपए आती है, और करंटली इसका एनएवी है 127 रुपए का, और करंटली इस यूनिट की वैल्यू बनती है 6,28,000 रुपए। तो एसआईपी में भी इस फंड ने 14% के सीएजीआर से रिटर्न बना के दिया है, तो एसआईपी के लिए भी बेहतरीन फंड है, लंबे समय के लिए एसआईपी आप इस फंड के अंदर कर सकते हैं। इस फंड में निवेश करने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप हमारे साथ म्यूचुअल फंड के साथ साथ सिलेक्टिव बेसिस पे इक्विटी में भी निवेश कर सकते हैं। दोस्तों एक बेहतरीन फंड है टाटा पीई फंड, तो आप सभी से अनुरोध रहेगा वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।